हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का प्रायोरिटी टेस्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास फोर्थ का ईवीएस का पेपर है जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका ये 40 मार्क्स का होने वाला है और इसके अंदर आपके लिए 1 आवर 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा आंसर राइटिंग का। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। आपको अपना नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, सेक्शन लिखना होगा, डेट लिखना होगा और डे लिखना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आप फिल कर देंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये आपका ये क्वेश्चन पेपर कितनी कॉम्पिटेंसी में से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कॉम्पिटेंसी हैं जिसके बेसिस पर आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, तीनों ही कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग की। ठीक है, ये फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है जिसके बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड नेम दैम। जैसे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इन पिक्चर्स को आपको देखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आंसर लिखना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, इसके अंदर आपको एग दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने आंसर में एग्स लिख सकते हैं। सेकेंड पिक्चर आप देखेंगे तो इस पिक्चर में आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने लिख सकते हैं आंसर में कि गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए, यहाँ पे ओनियन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप अपने आंसर में ओनियन लिख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए। इसके बाद जैसे यहाँ पीकॉक आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पीकॉक अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये आपको कुआं, जैसे हम लोग हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। और उसके बाद ये कुल्हाड़ी यानी एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें आपको ये 6 पिक्चर्स आपको दिए गए थे, सबको आइडेंटिफाई करके आपको अपना आंसर लिख देना था। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स एंड राइट टाइम AM एंड PM। अब देखो, इन पिक्चर्स को आपको देखने के बाद आपको AM और PM को यूज़ करके अपना टाइम लिखना है। यहाँ पर देखो आफ्टरनून लिखा गया है, तो आफ्टरनून का मतलब ये हुआ कि यहाँ PM यूज़ करेंगे, तो 12:15 यहाँ टाइम हो रहा है, तो पहले तो आप 12:15 टाइम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ PM यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको ये मॉर्निंग यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और टाइम आपको 6 o'clock दिख रहा है, तो आप अपने टाइम में यहाँ 6 लिख के AM लिख सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम है इसलिए आप लोग यहाँ पे AM यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वाटर साइकिल का पिक्चर है, तो आप वाटर साइकिल के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब देम। सबसे पहले आप टाइटल डाल दो कि ये क्या है, वाटर साइकिल है। जैसे ये वाटर क्या होता है कि पहले क्लाउड से नीचे की तरफ बारिश में आता है, फिर ये रिवर वगैरह में जाता है, फिर सनलाइट पड़ती है और फिर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होकर दोबारा ये बादलों में चला जाता है, यानी कि जो पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, पहले इसके बारे में हेडिंग लिखेंगे और 2 or 3 sentences में आप क्या करेंगे, इसके बारे में बताएंगे किस तरह से जो वाटर रोटेट कर रहा है, यानी क्लाउड से पहले नीचे जमीन में आता है, मिट्टी में आता है, यानी पानी हमारे पास आता है और उसके बाद दोबारा इवोपरेट होकर के दोबारा बादल के पास चला जाता है, यानी जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके 2 or 3 sentences में आप अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस कॉम्पिटेंसी में भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि बर्ड विच स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड वेक एट नाइट, यानी कि ऐसे बर्ड का आपको नाम लिखना है जो डे के टाइम तो स्लीप यानी सो जाते हैं और नाइट के टाइम पे जग जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आउल की बात की जा रही है यहाँ पे, कि आउल क्या करते हैं, दिन में तो सो जाते हैं लेकिन रात में उठते हैं। ठीक है, तो आप उनका नाम यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के जो सोर्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आप लोग जानते हैं कि जो रिवर है, रिवर से भी हमें वाटर मिल जाता है, तो ये वाटर के सोर्सेज हो गए। इसके अलावा जो रेन है, बारिश है, बारिश से भी हमें पानी मिलता है, तो आप अपने आंसर में रिवर और रेन अपने आंसर में लिख सकते हो। जैसे यहाँ आपको ब्रैकेट में बोला जा रहा है एनी टू, तो कोई भी दो लिख सकते हो, आप चाहो तो ज़्यादा भी लिख लो, लेकिन आपको जो मार्क्स मिलेंगे किसी भी दो सोर्स के बारे में, टू सोर्सेज के बारे में जब आप लिखेंगे, उसी के ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, जैसे आप ये स्क्रीन पर देखोगे कि यहाँ पे जैसे आपके पास ये ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट चूज करके अपना आंसर कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि बर्ड्स फ्लाई विथ देयर डैश। अब डैश की जगह मान लो हमें कुछ फिल करना हो,
तो यहाँ विंग्स और जैसे और फाइंस दे रखा है, तो विंग्स को यूज़ करके लोग फ्लाई करते हैं, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद है सिकल इज़ यूज फॉर, अब जो सिकल वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पे जैसे दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, दोनों में से सही ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपसे नेक्स्ट बोला जा रहा है कि वेजिटेबल डू नॉट हैव सीड, यानी कि ऐसे वेजिटेबल को आइडेंटिफाई करना है जो सीड नहीं होते हैं जिसके अंदर, तो आप अपने आंसर में चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर साल्ट और सैंड, इन दोनों में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा सोल्यूबल है, यानी कि जो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है उसे आप चूज़ करके अपने आंसर में टिक लगा सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, और सबके अंदर आपको टू डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रखे हैं, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करके अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द बर्ड एंड नेम देम। जैसे आपको यहाँ पे ना लेबल करना है कि बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट है उनके बारे में बताना है। जैसे ये क्या है, बीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है ये बीक है उसके। ठीक है, ये इसकी आईज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे आपको कीवर्ड दे रखा आई, तो आई आप यहाँ करेंगे बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद फर्दर चीज़ों के बारे में भी आपको दे रखा है कि इसके विंग्स हैं, तो आप इसके विंग्स या फीदर कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपको इसके टेल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आपको मेंशन भी किया गया है, तो आप इस बॉक्स के अंदर टेल लिख सकते हैं। और लास्ट में आपका जो फुट दे रखा है इसके बारे में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट है उसको आपको लेबल करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप जैसे ये पिक्चर दे रखा है, इस पिक्चर को यूज़ करके अच्छे से देख करके इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इतना करने के बाद जैसे इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपको ये एक लेस का पैकेट दे रखा है, उसका एक पिक्चर दे रखा है, और आपको बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई लेस। सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि वेजिटेबल पैक्ड। अब देखो यहाँ पे ना एक रेड कलर का और ग्रीन कलर का एक सिंबल होता है, जब भी कोई फूड आइटम आप परचेज करते हो अगर बीच में रेड कलर का सर्कल है, तो इट मीन्स आप समझ जाना कि ये क्या है, ये नॉन वेज मटेरियल यूज़ किया गया है। ठीक है, और जब भी आपको इसमें ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का, मान लो ग्रीन कलर का देखने को मिल जाए आपको कुछ इस टाइप से, बीच में सर्कल ग्रीन कलर का मिल जाए, तो आप समझ जाना कि भाई ग्रीन है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये आपका वेजिटेरियन मटेरियल है। अगर ग्रीन कलर का ये डॉट मिले इसके अंदर, तो आप कहेंगे कि भी ये क्या है, आपके लिए वेजिटेबल है, वेजिटेरियन चीज़ यूज़ की गई है, और रेड कलर का मिले तो नॉन वेजिटेरियन चीज़ यूज़ की गई है। तो इस पैकेट को देख करके आपको यहाँ पहले ही ये बताना है कि ये वेजिटेरियन पैकेट है या नॉन वेजिटेरियन पैकेट है, ये बताना है। उसके बाद आपको वेट पूछा जा रहा है, इस पैकेट का वेट कितना है, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये 45 ग्राम्स यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपने आंसर में 45 ग्राम्स लिख सकते हैं आंसर में इसके वेट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है नेम ऑफ द चिप, अभी कौन सा चिप है, तो जैसे आप देख सकते हो ये लेज है, तो आप यहाँ पे अपने आंसर में इस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो। बाकी फर्दर टोटल लिखना चाहो पूरा भी लिख सकते हो कि साल्ट एंड वेनेगर इसके अंदर यूज़ किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि इसमें प्रिजर्वेटिव एडिड क्या क्या है इसके अंदर, तो जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इसके अंदर साल्ट यूज़ किया गया है, तो आप साल्ट लिख सकते हैं, और साल्ट के अलावा यहाँ पर एक मटीरियल और यूज़ किया गया, वेनेगर यूज़ किया गया है, तो आप वेनेगर और साल्ट लिख सकते हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव इसके अंदर यूज़ किया गया है ताकि ये मटेरियल लंबे टाइम तक ख़राब ना हो सके। तो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जब भी कोई फूड आइटम आप परचेज़ करते हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। एक बात और, कई बार आपको ना इसके अंदर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा कई बार आपको डेट ऑफ एक्सपायरी भी पूछा जा सकता है। यानी कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको पैकेट में देखना आना चाहिए। जब भी आपसे एक्सपायरी डेट पूछा जाएगा, तो आप एक्सपायरी डेट भी देख के लिख देंगे, और कई बार आपसे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिया जाएगा, तो वो भी आप देख करके लिख सकते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमेशा देखा करें जब भी आप कोई फूड आइटम परचेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जो आपके आपके लिए, वो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वेयर डज कोयल ली इट्स एग, जो कोयल बर्ड है वो अपने अंडे वगैरह कहाँ पे देती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो कोयल जो होते हैं अपने अंडे को वो अपने पास नहीं रखती, बल्कि वो क्या करती है कि जो कौवे होते हैं, यानी आउल वो होते हैं, जो कौवे वगैरह होते हैं उनके वो जो नेट नेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे अपने अंडे वगैरह दे देती है। अपने खुद की तो क्रिएट नहीं करती, बल्कि जो क्रो होता है, कौवा होता है, उसके उसमें दे देती है। तो वो आप अपने आंसर में यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट एनी टू वर्क डन बाई
यू एट होम, आप अपने घर पे कौन कौन सा काम करते हो वो आपको बताना है। मोस्ट प्रॉब्ली आप बच्चे कहेंगे सर हम स्टडी करते हैं, तो आप स्टडी भी लिख सकते हो। स्टडी करने के अलावा आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करते हो किसी न किसी घर के किसी एक्टिविटी में, तो आप ये भी लिख सकते हो पेरेंट्स हेल्प। ठीक है, आप पेरेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और काम अपने घर पे करते हैं, जो भी काम आप करते हैं अपने घर पे उस काम के बारे में अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ड्रॉ टाइप ऑफ हाउस सीन इन योर विलेज एंड पॉश एरिया इन मुंबई। देखिए इसके अंदर आपको मुंबई के अंदर जो पॉश एरिया के अंदर जिस टाइप के घर होते हैं, यानी बिल्डिंग अच्छी अच्छी बिल्डिंग वाले जो घर होते हैं वो आपको ड्रॉ करना है, साथ के साथ जो विलेज एरिया होता है, ठीक है, विलेज में जो मड हाउस वगैरह होता है ये भी आपको ड्रॉ करना है। यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, टू डिफरेंट पिक्चर ड्रॉ करेंगे। एक तो आप विलेज के अंदर जो हाउस होते हैं उसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे, और दूसरे में आप क्या करेंगे जो भी सिटी वगैरह में जो घर होते हैं पॉश एरिया में जो घर होते हैं उसे आपको ड्रॉ करना है। यानी कि दोनों तरह के घर को आप ड्रॉ करेंगे तब जा करके आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डू वेजिटेबल सेलर स्प्रिकल वाटर ऑन प्रीवियस डे वेजिटेबल। अब देखो जो वेजिटेबल सेलर होते होंगे जैसे आपके घर के आसपास भी आते होंगे, वो क्या करते हैं जो प्रीवियस डे का जो वेजिटेबल उनका बच जाता है सेल नहीं होता उसके ऊपर वो पानी छींटते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, इसके पीछे का आपसे रीज़न पूछा जा रहा है, तो आप वन सेंटेंस में इसका आंसर लिख सकते हैं कि वो जो वेजिटेबल होता है उनको रिफ्रेश करने के लिए, उसे अच्छे से फ्रेश रखने के लिए ताकि अच्छे से सेल हो जाए, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द टू वेज टू क्लीन रिवर। अगर हमें रिवर को क्लीन करना हो तो टू डिफरेंट वेज क्या है वो आपको बताने हैं, दो तरीके। फर्स्ट तो ये है कि हमें कभी भी डस्ट वगैरह या फिर कुछ रैपर वगैरह वाटर यानी रिवर के अंदर हमें नहीं डालना चाहिए, यानी कि हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह का, जैसे डस्टबिन की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं रिवर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं जिससे पानी क्या हो जाता है पोल्यूट हो जाता है, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम कभी भी रिवर के आसपास जाते हैं, ठीक है, रिवर के आसपास जाते हैं तो हमें अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसे क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि भाई कुछ ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हो, संडे वगैरह को जाकर के उसे क्लीन भी कर सकते हो, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं एक सेल्फ सर्विस कर सकते हैं, एक तरह से खुद से जाके कुछ क्लीन ड्राइव वगैरह भी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें हम रिवर को साफ कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर वन कि उसके अंदर कोई रैपर नहीं डालोगे, ठीक है, जिससे रिवर क्लीन रहेगी, और दूसरा ये कर सकते हो लोगों को अवेयरनेस भी फैला सकते हो कि अगर हम रिवर को क्लीन नहीं करेंगे तो एक टाइम क्या होगा हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो दूसरों में शेयर कर सकते हो, उन्हें अवेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द टू डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड। फील्ड्स के अंदर यानी कि खेतों में कौन कौन से टू डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते हैं किसी के बारे में आप लिख सकते हो, जैसे राइस को आपने ग्रो करते हुए देखा होगा, ठीक है, तो उसके बारे में लिख सकते हो। वीट वगैरह आपने देखा होगा ये भी ग्रो करता है, उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को आपने फील्ड में ग्रो करते हुए देखा होगा, उनके क्रॉप के नेम आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप EVS का ही क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और इसे आप घर पे बैठ कर अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊँ, और चैनल friendspreparation को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। एक रिक्वेस्ट और है कि मेरा सेकेंड चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन भी आ सके। ठीक है, अगर कोई डाउट है कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @mrkrishnashah, जहाँ मैसेज करके आप अपने सारे डाउट मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग अगर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर की एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार करके रखी है PD2 क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, उसे ज़रूर चेक करना, जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो की का लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएगा, जिसे देख करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे अपने PT2nd एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।